साथियों नमस्कार मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक तो विधानसभा और विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर से जुड़ा हुआ है तो वहीं इसके बाद हम लोग एक नई कड़ी की शुरुआत करेंगे जो कि हमारे देश की न्यायपालिका के बारे में होगा और ये देश की न्यायपालिका का ढांचा हमारा कैसे अमेरिका ब्रिटेन इत्यादि से अलग है उस बात की भी हम लोग तहक़ीक़त करेंगे और एक विस्तृत रूप से जानेंगे कि हमारे देश की स्थिति में न्यायपालिका कितनी महत्वपूर्ण है आइए शुरू करते हैं साथियों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट नहीं किए हैं वो तुरंत का तुरंत करना स्टार्ट कर दें दोस्तों तक तो शेयर करना शुरू कर दें उसके बाद ही चैनल को देखें साथियों आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो विधानसभा और विधान परिषद से जुड़ा हुआ है अभी तक हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा है आज हम लोग जिस कार्यपालिका की बात कर रहे हैं वो है स्टेट की यानी कि राज्य का लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ पर जैसे ही आप अनुच्छेद एक के बारे में देखेंगे जो कि कहता है कि हर राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल या विधानसभा अथवा जहां पर दो सदनीय व्यवस्था है वहां राज्यपाल विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर के बनेगा यानी कि हमारे राज्यों में दो तरीके की व्यवस्थाएं हैं या या तो वो एक सदनीय व्यवस्था है या फिर दो सदनीय व्यवस्था है आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में हमारे देश के अंदर सिर्फ छः ऐसे स्टेट हैं जहां पर कि दो सदनीय व्यवस्था है सिर्फ छः ऐसे स्टेट हैं अब बात इस ऐसे इस एस बात की करते हैं कि आखिरकार ये जो दूसरा सदन है वो कैसे उसको लागू किया जा सकता है कैसे उसका गठन किया जा सकता है और कैसे उसका उत्साधन किया जा सकता है उत्साधन संवैधानिक शब्द है जिसका मतलब होता है दूसरे सदन को ख़त्म कर देना अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो दूसरा सदन यानी कि विधान परिषद का सदन है उसको हम लोग ख़त्म कर दें तो हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमारी जो प्रोसेस होगी वो ये होगी कि सबसे पहले उस राज्य में विधानसभा के अंदर दो तिहाई लोग ऐसे संकल्प को पारित करें जो ये कहता हो कि हम अपने स्टेट के अंदर इस किस्म की एक विधान परिषद लाना चाहते हैं और वो जो विधान परिषद लाना चाहते हैं वो जिस तरीके की विधान परिषद लाना चाहते हैं उसके लिए बाकायदा क्या करेंगे वो एक संकल्प दो तिहाई बहुमत से पारित करके देश की संसद को भेजेंगे आपको दोस्तों राज्यों के बाबत में एक बात बता दूं कि राज्यों में कोई नई दो सदनीय व्यवस्था लागू करने की जो प्रक्रिया है इसकी अंतिम शक्ति देश की संसद को दी गई है यानी कि हमारी देश की जो संसद है वो इसमें अंतिम शक्ति रखती है कि उस राज्य में नई विधान परिषद आएगी या जो पहले से विधान परिषद मौजूद है उसका उत्साधन होगा या नहीं होगा अंतिम जिम्मेवारी हमारी संसद की ही होती है तो जरा प्रक्रिया को गौर से फिर से एक बार देख लो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद आज की तारीख में मौजूद है सौ लोग उसमें सदस्य के रूप में हैं और उत्तर प्रदेश ये चाहता है कि चलो हम अपनी विधान परिषद को भंग कर देते हैं इसको हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश को करना क्या होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक संकल्प लाना पड़ेगा इस संकल्प से दो तिहाई लोगों का बहुमत लेना पड़ेगा दो तिहाई लोगों के बहुमत के बाद हमें इस संकल्प को संसद में भेजना पड़ेगा और फिर संसद में एक साधारण बहुमत से इस संकल्प को स्वीकृति दे दी जाएगी अगर संसद ये स्वीकृति दे दी दे देती है तो ये माना जाएगा कि अब उस राज्य से ये जो सदन है वो हट गया है है ना और अगर सदन को कोई राज्य जोड़ना चाह रहा है जिसे मैं करंट का हिस्सा बता दूं उड़ीसा ने हाल ही में केंद्र सरकार को विधान परिषद के निर्माण के लिए दो तिहाई के समर्थन का एक प्रस्ताव भेजा है उड़ीसा ने अपने यहाँ पर विधानसभा के अंदर दो तिहाई के बहुमत से एक एक संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है और केंद्र सरकार ने अभी तक इसको मंजूरी नहीं दी है यानी कि केंद्र सरकार इसको संसद में लाएगी और संसद में इसको साधारण बहुमत से जो है पारित कराना होगा अगर साधारण बहुमत से ये केंद्र सरकार पारित करा देता है तो उड़ीसा में भी दो सदनीय व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो इस तरीके से विधानसभा और विधान परिषद के गठन का काम किया जाता है यहाँ विधानसभा की नहीं सिर्फ विधान परिषद की बात मैंने करी है विधानसभा तो हर जगह होगी ही होगी लेकिन हर एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है अभी तक हमारे देश के अंदर सिर्फ जो दो जगह पर विधान सभा का प्रावधान हुआ करता था दो केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभा का प्रावधान हुआ करता था जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी शामिल था लेकिन जब से धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर में को हमने दो केंद्र शासित हिस्सों में बांटा है तब से लद्दाख को तो इसमें शामिल नहीं किया गया लेकिन जम्मू कश्मीर को हमने इसी दायरे में शामिल कर दिया यानी कि जो जम्मू कश्मीर में भी अब विधायिका होगी यानी कि वहाँ पर भी एक विधानसभा होगी यानी कि जम्मू कश्मीर तीसरा ऐसा संघ शासित प्रदेश बन गया है जिसके अंदर विधायिका का प्रावधान कर दिया गया है इतनी बात आपको समझ में आ गई साथ ही विधान परिषद की संख्या की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 170 में ये कहा गया है कि, कि किसी भी राज्य की जो विधान परिषद यानी कि जो उसका दूसरा उच्च सदन है उसके सदस्यों की कुल संख्या किसी भी हालत में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए इसका अर्थ ये हो गया जिसे मैं उदाहरणता कहूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधान परिषद है उसमें टोटल 100 मेंबर हैं लेकिन विधानसभा में देखेंगे तो 403 प्लस वन है यानी कि 403 की अगर हम बात करें तो 403 का एक बटे तीन से ज़्यादा नहीं हो सकता है यूपी में अधिकतम जो विधान परिषद के मेंबर हो सकते हैं वो 403 सौ बटे तीन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं ये बात कहना चाह हैं लेकिन जो विधान परिषद की न्यूनतम संख्या है वो 40 ही होगी इससे न्यूनतम नहीं हो सकती है ठीक है हालांकि इसका कोई अपवाद भी अभी तक नहीं है अगर हम विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है और इस प्रक्रिया में कुल पाँच अलग अलग तरीकों से लोगों का निर्वाचन किया जाता है इस प्रक्रिया में जो एक तिहाई सदस्य होते हैं वो उस राज्य की स्थानीय संस्थाओं से चुने जाते हैं जैसे नगर पालिका है जैसे जिला बोर्ड हैं इन संस्थाओं से एक तिहाई सदस्यों को चुना जाता है तो वहीं पर एक तिहाई सदस्य हमारे जो विधानसभा के मेंबर हैं ये मेंबर लोग चुन करके विधान परिषद के लिए भेजते हैं अगर मैं कहूँ तो एक बटे बारह जो मेंबर होंगे वो जो प्राइमरी स्कूल हैं जो माध्यमिक स्तर के सॉरी जो विद्यालय हैं जो माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं वहाँ से चुने जाएंगे तो वहीं पर एक बटे बारह जो होंगे वो स्नातक स्तर के अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में और जो सरकारी विद्यालय जो ट्वेल्थ क्लास तक के होते हैं इनमें आपने देखा होगा कि अक्सर राजनीति काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती है उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि यहाँ पर एक बटे बारह मेंबर जो है वो माध्यमिक स्तर से चुने जाने हैं और एक बटे बारह मेंबर जो होते हैं वो हमारे स्नातक स्तर से चुने जाने हैं अब एक तिहाई आपने स्थानीय संस्थाओं से चुने एक तिहाई हमारी विधानसभा के मेंबर्स ने चुने एक बटे बारह सदस्य हम लोगों ने माध्यमिक स्तर से चुने एक बटे बारह मेंबर हमने स्नातक स्तर से चुने अब जो बचे हुए एक बटे छः लोग हैं इनकी नियुक्ति नहीं होती है इनको मनोनीत किया जाता है स्टेट के राज्यपाल के द्वारा यानी कि उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो दरअसल उनको मनोनीत कर रहा होगा इतनी बात आपको समझ में आ गई अब हम लोग बात करते हैं विधान परिषद की अवधि की और इसकी कुछ जरूरी विशेषताएं और इसके लिए जो योग्यताएं चाहिए उसकी बात करते हैं विधान परिषद का जो मेंबर होगा वो छः वर्ष के लिए चुना जाता है यानी कि उसका जो कार्यकाल होगा वो छः वर्षों का होगा और विधान परिषद चूंकि उच्च सदन होता है किसी भी राज्य के अंदर तो ठीक राज्यसभा की भांति इसका भी कार्यकाल छः साल का है और ये भी एक किस्म का स्थायी सदन है यानी कि इसका विघटन नहीं हो सकता है और प्रत्येक दो वर्ष के अंदर एक तिहाई नए मेंबर्स को इसमें जोड़ दिया जाता है यानी कि एक तिहाई नए लोगों का चुनाव करके इसमें भी भेज दिया जाता है और इस तरीके से ये एक ऐसा सदन है जिसका विघटन नहीं होता है ठीक इसके सदस्यों की जो प्रमुख योग्यताएं हैं उसमें भारत का नागरिक होना ज़रूरी है तीस वर्ष की आयु ज़रूर पूरी कर ली हो और साथ ही साथ विकृत मानसिकता वाला नहीं होना चाहिए ये कुछ ज़रूरी योग्यताएं होती हैं ठीक अब सीधे आते हैं दोस्तों विधानसभा के ऊपर और विधानसभा के गठन और संरचना में एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है पाँच सौ फाइव हंड्रेड और जो न्यूनतम है वो हो सकती है साठ सिक्सटी यानी कि आपने सुना होगा कि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें ये संख्या साठ से भी कम है ये कैसे है दरअसल अनुच्छेद तीन सौ इकहत्तर को कभी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जैसे मिजोरम में चालीस सीटें आपको मिल जाएंगी ठीक वैसे ही आप सिक्किम में बत्तीस सीटें पाएंगे तो इस तरीके से जो सीटें हैं वो साठ से भी कम है क्योंकि यहाँ के राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान हमारे संविधान ने किए हुए हैं अब अगर इस तरीके की व्यवस्था है जहाँ हमारे देश में विधानसभाओं की जो मेंबर्स की संख्या वो अधिकतम 500 है और जो न्यूनतम है वो 60 हो सकती है ऐसे में कोरम कितने पर बनेगा मैं आपको पिछले लेक्चर में बन बता चुका हूँ कोरम के लिए अगर राज्य में 100 से कम मेंबर हैं तो वहाँ पर हमने नियम बताया था 10 परसेंट या 10 लोग जो भी ज़्यादा हो इस तरीके से कोरम का निर्धारण होगा कोरम यानी कि गढ़पूर्ति जो कि मैंने कल या पिछले सेशन में आपको बताया है आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो ठीक है ये हमारी विधानसभा की अगर हम लोग चुनाव प्रक्रिया की चर्चा करेंगे तो विधानसभा में जो मेंबर जो चुना जाना है उसकी योग्यता में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि वो भारत का नागरिक हो साथ ही साथ सिर्फ 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो 25 वर्ष से आपने विधान परिषद में देखा 30 साल की चाहिए यहाँ पर 25 साल की उम्र वाला व्यक्ति भी विधान परिषद का मेंबर चुना जा सकता है इसके आगे की अगर मैं बात करूं 25% परसेंट के आगे की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष आधार पर होता है यानी कि हम और आप लोग स्वयं वोट दे करके विधानसभा के मेंबर्स को चुनते हैं जबकि विधान परिषद में सामान्यतः अप्रत्यक्ष किस्म का चुनाव होता है यानी कि जनता सीधे भागीदारी नहीं करती है है ना तो ये एक चुनाव पद्धति में यहाँ पर अलग अंतर आपको दिखाई देगा विधानसभा के अंदर जो पीठासीन अधिकारी होता है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है और दोनों ही लोग उस सदन के मेंबर होते हैं तो वहीं विधान परिषद में भी जो सभापति और उपसभापति होते हैं वो भी उस सदन के मेंबर्स होते हैं तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट जानकारी आपके लिए स्टेट लेजिस्लेचर की और अगली कड़ी में इसी सेशन में हम लोग तुरंत शुरू करने जा रहे हैं भारत की न्यायपालिका साथियों जब हम लोग भारत की न्यायपालिका की चर्चा करते हैं तो इससे पहले हमको थोड़ा सा यूएसए और हमें ब्रिटेन की न्यायपालिका के बारे में विचार कर लेना चाहिए साथियों जब मैंने पहला लेक्चर बताया था तो मैंने एक बात आपसे कही थी मैंने कहा था कि यूएसए एक संघीय देश है जैसे भारत है लेकिन जो ब्रिटेन है वो एकात्मक एक व्यवस्था वाला देश है संघात्मक देशों की खासियत ये होती है कि संघीय देशों में जो शक्तियों का विभाजन है वो स्टेट्स के बीच में होता है यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है लेकिन जब आप ब्रिटेन जैसे देश को देखते हैं तो वहाँ पर स्टेट के पास किसी भी किस्म की पावर्स होती नहीं है और इस वजह से वहाँ पर लड़ाइयों के मौके नहीं आते सामान्यता आप ऐसे देखिए अगर एक घर के अंदर दो भाई हैं तो प्रॉपर्टी को लेकर के दोनों में विवाद होने की संभावना है क्यों क्योंकि उनके बीच में चीज़ों का बंटवारा किया जाना है पावर्स का बंटवारा अगर एक घर में अलग अलग लोगों पर अलग अलग किस्म से है तो उस घर में लड़ाइयाँ होती ही होती हैं लेकिन अगर पूरे घर की जो पावर है वो किसी एक आदमी पर ही होगी तो ऐसे में उस घर में आप पाएंगे कि लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं हो रही होंगी क्योंकि किसी के पास ताकत नहीं होगी जो लीडरशिप चाहेगी वही होगा हमारा देश है संघीय देश यूएसए भी एक किस्म का संघीय देश ही है और जब बात संघात्मक देशों की होती है तो ऐसे में आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि संघीय देशों में लड़ाइयाँ जाने ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया है जो संघीय न्यायपालिका होती है वो दरअसल दो तरीके से चीज़ों को देखती है वो हो सकता है कि लोगों के क्राइम से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उनको सुन रही हो और हो सकता है कि संविधान में किसी किस्म की अगर खामी आ रही है उसको भी वो सुन रही हो लेकिन जब आप ब्रिटेन जैसे देश की बात करते हैं वहाँ चूंकि स्टेट और सेंटर के बीच में किसी भी लड़ाई की गुंजाइश नहीं है और इसलिए वहाँ पर संवैधानिकता से जुड़े हुए मुद्दों पर किसी भी किस्म की कोर्ट यानी कि न्यायपालिका का प्रावधान नहीं किया गया है वहाँ पर सामान्यतः न्यायपालिका अनुपस्थित है वहाँ जो न्यायपालिका मौजूद है उसका काम दरअसल हमारे सिविल और जो क्राइम के मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने के लिए होता है और वो सामान्यतः जनता को न्याय देने के लिए बनाए जाते हैं भारत भी संघीय देश है यहाँ पर भी शक्तियों का विभाजन है तो दरअसल होता क्या है कि भारत के अंदर राज्यों राज्यों के बीच में आप पाएंगे कि अलग तार्किक रूप से बहस होती रहती है आपने देखे होंगे देश में कावेरी जल विवाद है नर्मदा जल विवाद है बहुत सारी नदियों को लेकर के विवाद हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर ट्रैवल कर रही होती है अगर नदी एक से ज़्यादा स्टेट में बह रही है और नदियों का जो विषय है वो एक राज्य सूची का विषय है इस वजह से सेंटर ज़्यादा दखल नहीं दे पाता है और दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाती है कई मामलों में आप पाएंगे कि केंद्र सरकार किसी कानून को लागू करती है तो राज्य सरकार उसको स्वीकारने से मना कर देती है तो वहीं किसी राज्य ने अगर कोई कानून बनाया है तो केंद्र सरकार उस कानून को काउंटर करने में जुट जाती है ये दरअसल अलग अलग केंद्र और राज्य में चूँकि सरकारें अलग अलग दलों की होती हैं तो इस तरीके की व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में लड़ाई होना स्वाभाविक है और यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका बखूबी ध्यान रखा और देश में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी है हमारा संघीय न्यायालय कई किस्म के काम करता है वो दरअसल देश के संविधान को प्रोटेक्ट भी करता है उसका संरक्षण भी करता है साथ ही साथ देश की सरकार कैसा कानून बना रही है उसको भी वेरीफाई करता है अगर केंद्र और राज्य के बीच में या फिर राज्यों राज्यों के बीच में किसी भी किस्म का आपको द्वेष दिखता है किसी भी किस्म की लड़ाई दिखती है तो वहाँ पर भी हमारी न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है और इस तरीके की चीज़ों को कम करने की कोशिश करती है अगर मैं बात करूँ अमेरिका के अंदर तो वहाँ दो किस्म से ढांचे बने हुए हैं वहाँ पर क्राइम के लिए दरअसल एक अलग किस्म का कोर्ट है तो वहीं पर संवैधानिक मामलों के लिए या केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध हैं उनके लिए एक अलग किस्म की न्यायपालिका का प्रावधान है अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो विधाई संबंधी फ़ैसले को लेकर अगर किसी भी किस्म की चिंता या फिर कोई लड़ाई उजागर होती है तो सबसे पहले वहाँ पर स्टेट फेडरेशन कोर्ट में इस मामले को भेजा जाता है अगर स्टेट फेडरेशन कोर्ट में चीज़ें सही से रिजॉल्व नहीं होती हैं तो इसकी अपील की जाती है अपील करने के लिए हमारे पास वहाँ पर अमेरिका में फेडरेशन कोर्ट होता है यानी कि विधायी मामलों को लेकर के जब सुनवाई करते हैं तो वहाँ का जो सबसे उच्चतम न्यायालय है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं उसको वहाँ पर फेडरेशन कोर्ट कहा जाता है लेकिन जब आप अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर जब दूसरी चर्चा करेंगे तो वहाँ पर एक दूसरी चीज़ आप पाएंगे कि अमेरिका के अंदर जो क्राइम का जो ग्राफ है या फिर जो सिविल के वाद विवाद हैं वो सबसे पहले वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं हमारे यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सबसे पहले जाते हैं और वहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वहाँ की हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं हाई कोर्ट के बाद आपको ये फेडरेशन कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं होता है हमारे देश में दरअसल फेडरेशन कोर्ट यानी कि हमारा जो संघीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है वहाँ पर अपील करने का अधिकार दिया गया है यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश की न्यायपालिका का जो ढांचा है वो यूएसए की न्यायपालिका से भी अच्छा है क्योंकि तो हमारे यहाँ क्राइम और सिविल वाद को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट के ऊपर भी उसको जो है अपील कर सकते हैं जबकि यू में ऐसा नहीं होता है आप हमारे देश में जब आप न्यायपालिका की संरचना देखेंगे तो वो पिरामिड नुमा आपको दिखाई देगी सबसे पहले आप पाएंगे कि हमारे देश के अंदर एक लोअर कोर्ट होती है उसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट हैं और उसके ऊपर भी आप चाहो तो अपील कर सकते हो किसी भी मुद्दे को वो कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे यहाँ की जो पिरामिड नुमा सेफ है वो यू से कहीं बेहतर और कहीं अच्छी है आइए अब चर्चा कर लेते हैं हमारे देश में न्यायपालिका के गठन और उसकी संरचना को लेकर के हमारे देश के संविधान में अगर हम लोग न्यायपालिका की चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद एक से लेकर के एक तक उच्चतम न्यायालय के संबंध में प्रावधानों को दिया गया है उच्चतम न्यायालय को लेकर के शुरुआती जो परिभाषा जो मूल संविधान में लिखी थी वो कहती थी संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा सात अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं ये बात हमारे मूल संविधान में की गई थी लेकिन अभी हाल ही में 2019 में सरकार ने इसमें संशोधन किया है और संशोधन के बाद अब ये बोल दिया है कि देश के अंदर कुल 33 अन्य न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश होगा यानी कि अब जो कुल संख्या है देश में वो चौंतीस हो चुकी है यानी कि मूल संविधान से लेकर के आज के संविधान में हमारी जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है तो ये स्वाभाविक है कि देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाया जाना भी महत्वपूर्ण है लेकिन आज भी हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या जजेस की है वो उतनी नहीं पहुंच पाई है जितनी की होनी चाहिए और शायद यही कारण है कि देश के अंदर ज़्यादातर मामले लंबित रहते हैं और काफ़ी समय तक वो खिंचते चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश या जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय करते हैं और नियुक्ति करने के लिए जो सिफारिश है वो सामान्यता केंद्रीय मंत्री परिषद की ओर से जाती है केंद्रीय मंत्री परिषद दरअसल हैरिकी के हिसाब से ही इस बात का चयन करती है और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सीनियर होता है तो सीनियरिटी के हिसाब से देश के अंदर आप देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है अभी हाल ही में देश में शरद अरविंद बोबड़े साहब को देश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है वो सबसे सीनियर मेंबर्स हैं लेकिन अगर हम वहीं पर अन्य न्यायाधीशों के बारे में बात करें तो उसके लिए हमारे देश में कॉलेजियम प्रणाली का निर्माण किया गया है कॉलेजियम प्रणाली में दरअसल राष्ट्रपति के साथ हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके साथ कुछ अन्य सीनियर जो जज होंगे वो मिल के एक ग्रुप फॉर्म करेंगे सामान्यतः ये पाँच लोगों का ग्रुप होता है जो कि इस बात को तय करता है कि देश में किस किस व्यक्ति को जो है वो जज के रूप में चुना जाना चाहिए और उसके बाद जो सिफारिशें आती है उस पर राष्ट्रपति अपनी अंतिम मोहर लगाता है और उनकी नियुक्ति करता है भारत सरकार ने इस पर काफ़ी विवाद होने के बाद 2015 के दौरान एक नया आयोग तक गठित कर दिया था लेकिन स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दरअसल संवैधानिक तौर पर सही नहीं है और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को उसने असंवैधानिक करार कर देते हुए शून्य घोषित कर दिया देश का मैं एक इतिहास यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट 1935 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था और उसके बाद आज़ादी के बाद से ही हमेशा सीनियरिटी के आधार पर मुख्य न्यायाधीश का चयन होता रहा लेकिन आप पाएंगे कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी तो उस समय उन्नीस में एक एक ऐसा फ़ैसला आया था जिसने इंदिरा गांधी के एटीट्यूड को दरअसल चोट पहुंचा दी थी दरअसल सत्रह सौ के अंदर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जब वाद हुआ तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन देश के मूलभूत ढांचे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती इंदिरा गांधी को लगा कि जैसे वो उन पर चोट कर दी गई है जैसे उन्हीं ने इस मूलभूत ढांचे को बिगाड़ने की कोशिश करी हो ऐसे में इंदिरा गांधी का गुस्सा होना स्वाभाविक था और जिस जिन जजों की बेंच ने इस फैसले को सुनाया था वो दरअसल सीनियर मोस्ट उस समय के लोग थे और उन लोगों को वहाँ पर तवज्जो नहीं दी थी इंदिरा गांधी ने और उन लोगों को छोड़ करके के अगले बंदे को सीनियरिटी को दरनर दरनिरकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था 1980 के बाद ये मामला जब चला तो इसको ज़्यादा न्याय नहीं मिल पाया और लगातार ये वाद विवाद जो है वो बना ही रहा तो दोस्तों यहाँ पर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजिस के बारे में इतनी बात को जान लिया अब मैं बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए दरअसल कौन कौन सी योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता की चर्चा करूं तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि उसने किसी उच्च न्यायालय में किसी हाई कोर्ट के अंदर लगातार कम से कम पाँच वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो लगातार शब्द ध्यान रखिएगा यहाँ बीच में किसी भी प्रकार की छुट्टी या जो गैप है वो नहीं होना चाहिए अगर पाँच वर्षों तक लगातार किसी हाईकोर्ट में काम किया है तो वो इस पद के लिए योग्य माना जाएगा यदि किसी व्यक्ति ने दस वर्षों तक हाईकोर्ट में यदि किसी व्यक्ति ने लगातार दस वर्षों तक हाईकोर्ट में वकालत की है यानी अधिवक्ता के तौर पर रहा है तो वो भी इस पद के लिए योग्य माना जा सकता है साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई व्यक्ति विधि का अच्छा ज्ञाता है एक पारंगत विधि बेतता है तो इस केस में भी राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है ये दोस्तों कुछ ज़रूरी योग्यताएं हैं अब आप पूछेंगे कि कार्यकाल कितना होगा दरअसल दोस्तों यहाँ पर कार्यकाल का कोई खास प्रावधान अगर देखें तो पाँच वर्षों का होता है लेकिन पाँच वर्षों तक सामान्यता कोई रह नहीं पाता यहाँ पर किसी भी न्यूनतम आयु या अधिकतम आयु का प्रावधान है या नहीं है इस बारे में आपको सोचना चाहिए लेकिन मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अधिकतम आयु पैंसठ साल की होती है इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है और जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं वो सामान्यता अपनी तिरसठ या चौसठ वर्ष की आयु में आते हैं और इसलिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय को वह मुश्किल एक से दो साल ही दे पाते हैं किसी भी किस्म की न्यूनतम आयु का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है और बनने के कोई चांस भी नहीं है क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर जो बनाया जाना है अब बात करते हैं दोस्तों न्यायाधीश की शपथ के बारे में हमारे देश को जो न्यायाधीश होते हैं इनको हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो शपथ दिलाते हैं साथ ही साथ उनकी नियुक्ति भी करते हैं यानी कि नियुक्ति और शपथ दिलाने का काम हमारे राष्ट्रपति महोदय को महोदय का होता है एक जरूरी बात यह आ जाती है कि आखिरकार हमारे देश का जो चीफ जस्टिस होता है क्या उसको उसके पद से हटाया जा सकता है अगर उसको अपना इस्तीफा देना है तो किसे देगा इस्तीफा देने का जो फैसला है वो स्वयं वो करते हुए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है लेकिन इसके अलावा एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया हालांकि संविधान में नहीं लिखा गया है महाभियोग शब्द का यहाँ पर वर्णन नहीं मिलेगा लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया से उनको उनके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया में क्या प्रोसेस है आइए इसके बारे में जान लेते हैं साथियों महाभियोग की प्रक्रिया जो किसी चीफ जस्टिस पर लगाई जाती है इसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी किस्म के आरोप का दोषी हो सामान्यतः जो किसी भी चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया जाता वो ये होता है कि आपने संविधान का अतिक्रमण करने की कोशिश की है यानी कि इंक्रोचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर ऐसा लगता है कि कोई न्यायाधीश ऐसा है जो देश के संविधान को इनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है उसका अतिक्रमण यानी कि जो हमारा संविधान है उसके बियॉन्ड जाकर के फैसले लेने लगता है तो ऐसे में भी वो कदाचार का दोषी होगा और उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया को चलाया जा सकता है इस प्रक्रिया को चलाने के लिए हमारे संसद के अगर लोकसभा के मेंबर्स इस तरीके का प्रस्ताव लाना चाहते तो कम से कम सौ लोगों द्वारा वो हस्ताक्षरित होना चाहिए अगर राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ये हस्ताक्षरित 50 और 100 लोगों का जब प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में जाता है तो अगली जो पावर है वो लोकसभा के स्पीकर और सभापति के हाथ में होती है लोकसभा का स्पीकर या सभापति चाहे तो उस प्रस्ताव को वहीं पर खारिज कर सकता है और बिना किसी बात को जाने वहीं पर खत्म कर सकता है लेकिन अगर वो दोनों ही उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं चाहे तो लोकसभा से या राज्यसभा से तो ये अब एक समिति को सौंप दिया जाता है जहां पर एक समिति जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक हाई कोर्ट का एक जज होगा और साथ ही साथ वहां पर एक एक विधि का ज्ञाता व्यक्ति होता है तीन लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है कमेटी इस विषय पर जांच करती है कि क्या वास्तव में एक जो जज है उसने किसी भी किस्म का अपराध किया है अगर ऐसा होता है कि उसने किसी भी किस्म का अपराध किया है और जांच में ऐसा आता है तो संसद के अंदर एक प्रस्ताव को संसद की कुल संख्या के बहुमत से तथा संसद में टोटल जो मौजूद सदस्य हैं जो प्रेजेंट लोग हैं उनके दो तिहाई बहुमत से दोनों सदनों में पारित करके राष्ट्रपति को भेजना होगा अगर दोनों सदनों में पारित करके राष्ट्रपति को भेज देंगे तो राष्ट्रपति जिस तारीख को उस पर मोहर लगा देगा अपने सिग्नेचर कर देगा उसी तारीख से सुप्रीम कोर्ट का जज अपने पद से हट जाएगा ये बात थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की आपको कैसा लगा अभी तक का लेक्चर तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें इस चैनल को ग्रो कराने के लिए आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं मेरा आप इसको शेयर कर सकते हैं इसको लाइक्स दे सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं साथियों मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि कृपया आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपकी जो व्यूअरशिप है वो मुझे अच्छी मिलती रहे और साथ ही साथ आपकी जो नॉलेज है वो कहीं पर भी कट ना हो तो नॉन स्टॉप पढ़ते रहिएगा मेरे साथ रोज शाम को साढ़े नौ बजे थैंक यू सो मच